अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब बखैर होंगे। नाज़रीन, दुआए जनाजा हर मुसलमान को याद होना चाहिए। पिछली वीडियो में मेरे एक शागिर्द ने आकर के बताया था कि नमाज जनाजा की दुआ क्या है, यानी बालिग मैयत, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, उसकी दुआ आपने सुन ली। अगर नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा वीडियो, तो ज़रूर देखें। लेकिन इस वीडियो में आप जानिए कि कोई नाबालिग मैयत, यानी नाबालिग लड़का या नाबालिग लड़की अगर इंतकाल करे तो उसके लिए दुआए जनाजा क्या होगी, जनाजे में कौन सी दुआ पढ़ेंगे, मुलाहिज़ा कीजिए। मसला है कि मैयत अगर पागल या नाबालिग हो तो ये दुआ पढ़ें। कौन सी दुआ पढ़ें सुनिए, नाबालिग लड़के के लिए गौर से सुनिएगा, इसको दिमाग में नोट कीजिए और याद कर लीजिए और हर मुसलमान को शेयर करके बताइए। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरतं वजअलहु लना अजरं वज़ुखरं वजअलहु लना शाफियां व मुशफ़ा। एक बार और सुनिए नाबालिग लड़के की मैयत की दुआ की दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरतं वजअलहु लना अजरं वज़ुखरं वजअलहु लना शाफियां व मुशफ़ा। और अगर लड़की हो तो उसके लिए कौन सी दुआ पढ़ेंगे, नाबालिग लड़की हो तो उसके लिए भी सेम यही है, लेकिन खाली जो हा लगा देना है वो इस तरह पढ़िएगा, सुनिए, अल्लाहुम्मा जअलहा लना फरतं वजअलहा लना अजरं वज़ुखरं वजअलहा लना शाफियातं व मुशफ़ा। एक बार और सुनिए लड़की की दुआ, अल्लाहुम्मा जअलहा लना फरतं वजअलहा लना अजरं वज़ुखरं वजअलहा लना शाफियातं व मुशफ़ा। तो नाज़रीन, ये दुआ है, इसको याद कीजिए और दूसरों को भी ज़रूर शेयर करके बतलाइए ताकि वो भी जो है दुआए जनाजा याद फरमा लें, याद कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।